अच्छा मुनीबा, मुझे ये बताएगा कि चलें पेरेंट्स की जानिब से तो हमेशा सपोर्ट रहती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपके अपने होते हैं और उनसे आपको बहुत प्यार होता है, और मेरा ख्याल है कि वालदैन की सबसे बड़ी दुआ होती है कि औलाद की तकलीफ उनकी ज़िंदगी में उन्हें ना दिखाई जाए। हस्बैंड की जानिब से मैं बिलखसूस पूछना चाहूँगी, यू आर मैरिड, यू आर मदर ऑफ अ ब्यूटीफुल सन, आई एम श्योर बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल योर सेल्फ एज वेल, माशाल्लाह। तो हमें बताएगा कि आपके हस्बैंड की जानिब से जो सपोर्ट है वो कैसी रही है, और ये जो सफ़र आपने गुजारा है अपने हस्बैंड के साथ, ये सफ़र कैसे गुजरा है? हस्बैंड के साथ जो सफ़र गुजरा वो एक्सीडेंट का सफ़र भी हस्बैंड के साथ ही गुजर रहा था। ही वॉज ड्राइविंग द कार एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू नो ही इज़ परफेक्टली फाइन, और मैं ज़िंदा बच गई, तो इट्स बिकॉज ऑफ हिम, यू नो आई गेट इमोशनल एट टाइम्स, बट ही इज़ सच अ डियर पर्सन, वी आर मोर देन फ्रेंड्स। हस्बैंड वाली बात नहीं है, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड टू मी, व्हेन आई क्राई ही क्राइज विद मी एंड यू नो, बट ही टेल्स मी दैट यू नो यू हैव टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आई एम विद यू। तो उनको कभी कोई इशू नहीं हुआ मेरी जॉब से, मेरे काम करने से, किसी चीज़ से नहीं, से इज़ दैट आप कहें और काम हो जाएगा।